सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने इंटीग्रल डोमेन का एक थ्योरम किया था। वहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन यानी कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विल बी अन इंटीग्रल डोमेन इफ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी कि कैंसिलेशन जो है वो होल्ड करता है। फिर हमने कहा था कि इंटीग्रल डोमेन है इट इज नथिंग बट अ कम्यूटेटिव रिंग जिसके अंदर कैंसिलेशन होता है ना, इट इज एन इक्विवेलेंट डेफिनेशन। फिर हम लोग ने डिवीजन रिंग देखा था कि डिवीजन रिंग यानी कि एक ऐसा रिंग जिसके अंदर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट। दूसरा डेफिनेशन क्या था इसका, तो हम लोग कहते थे कि जिसके अंदर डिवीजन पॉसिबल है वैसी रिंग को हम लोग डिवीजन रिंग कहते हैं। ठीक है, डिवीजन रिंग बहुत ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसका दूसरा नाम होता है स्क्यू फील्ड, है ना, बिकॉज ये रिंग भी नहीं है फील्ड भी नहीं है इसलिए हम लोग कहते हैं स्क्यू फील्ड। फिर हम लोग ने एक थियरम किया था जिसके अंदर हमने प्रूव किया था कि अगर आपने सारे के सारे यूनिट्स कलेक्ट किए किसी भी रिंग के, तो वो जो सेट होगा दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट आता था कि दैट इज नथिंग बट रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म वर्ड सुनते ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर वर्ड होमोमॉर्फिज्म सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक फंक्शन है जो ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। अगर मैंने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोला तो वो एक एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक जाता है जो ग्रुप के ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। अगर मैं रिंग होमोमॉर्फिज्म बोलता हूँ तो ये एक फंक्शन है फ्रॉम वन रिंग टू अनदर रिंग सच दैट वो रिंग के दोनों ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है, जितने ऑपरेशन होंगे उतने को वो प्रिजर्व करता है। ठीक है, आपको और एक छोटी सी चीज मैं कहूंगा, होमोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अगर आप देखोगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सेम चीज होता था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर नथिंग बट अ ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप्स, बिकॉज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप सेम चीज करते हो। आप लोग क्या करते हो, गिवन अ मैप इज सेट टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, आई थिंक पेन किधर है, ओके ये रहा। सो आप क्या करते थे, आप बोलते थे कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई सेम एज टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। फिर आप लोग बोलते थे कि अल्फा टी ऑफ अल्फा एक्स इज सेम एज अल्फा टाइम टी ऑफ एक्स, यानी कि आपने बोला ये स्केलर प्रोडक्ट भी आप बाहर लाते थे ना, तो उसका मतलब भी यही होगा कि ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है। यानी कि आप देखोगे कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो अभी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर, इट इज नथिंग बट अ मिरर इमेज ऑफ व्हाट यू हैव लर्न इन अ लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे जो होता है वो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म है, दोनों का काम ये की है कि ऑपरेशन प्रिजर्व करना। ठीक है, तो रिंग होमोमॉर्फिज्म के एग्जांपल देखेंगे। फिर हम लोग ने डिफाइन किया था कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आज कुछ एग्जाम्पल करते हैं सिंपल सिंपल से, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। सो एग्जाम्पल नंबर वन इज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन द मैपिंग एफ फ्रॉम जेड टू जेड एन defined by f of k is equal to k mod n is a ring homomorphism। यानी कि मुझे ये प्रूव करना होगा कि ये जो भी मैंने मैप डिफाइन किया है वो दोनों के दोनों ऑपरेशन को प्रिजर्व कर। ठीक है, यहाँ पे मैप क्या है, तो मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा उसको डिवाइड करूंगा n से और आंसर लिख दूंगा जो भी मेरा रिमाइंडर आता है, या फिर मैं एक ऐसा आंसर लूंगा जो congruent to mod n हो। सो अब मुझे इसको प्रूव करना है कि इट इज नथिंग बट रिंग होमोमॉर्फिज्म, यानी कि मुझे दो प्रॉपर्टी प्रूव करना है। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा, ये कलर अच्छा है, ओके एफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूव करूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई से स्टार्ट करूंगा, इससे स्टार्ट करके एट द एंड आई शुड गेट एफ ऑफ एक्स इज सेम एज एफ ऑफ वाई, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई मिलना चाहिए मुझे, ओके सॉरी यहां से स्टार्ट करो एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई By the definition of this map, I know this is same as x plus y mod n, है ना? जब आप मॉड्यूलो पढ़ रहे थे तब according to the module properties of the modulo, मुझे पता है it is same as x mod n plus, I think I should use the sign of congruence, but ठीक है, no issue, हम लोग equal को समझ लेंगे, y mod n। क्या ये property चलेगा आप लोगों को, just yes or no करके बताओ, अगर कोई answer नहीं देगा तो मैं यहीं पे रुकूंगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि आप मॉड्यूलो को ओवर एडिशन एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन स्प्लिट कर सकते हो, यस ग्रेट, ओके सो दिस इज सेम एज व्हाट, ये क्या होगा, तो दिस इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स बाय द डेफिनेशन प्लस दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ वाई। यानी कि आपने स्टार्ट किया और एंड भी हो गया। यहां पे आप देखोगे ना, मैं कहूंगा यहां पे देयर इज अ ग्रेट अब्यूज ऑफ नोटेशन। क्यों ऐसा, बिकॉज आप देखोगे कि मैंने दोनों जगह पे सिर्फ प्लस यूज किया है और दोनों जगह पे प्लस का मतलब बहुत ही अलग है। यानी कि
लेफ्ट हैंड साइड में प्लस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ एन इंटीजर एंड राइट हैंड साइड में प्लस इज नथिंग बट एडिंग देम एंड टेकिंग मॉड्यूलो एन. ठीक है, तो यहां पे हम लोग भले ही अब्यूज ऑफ नोटेशन कर रहे हैं लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ क्या क्या हो रहा है. बिकॉज अगर मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा तो एफ ऑफ एक्स क्या है, इट इज एन एलिमेंट ऑफ जेड एन. यानी कि अगर मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं तो ये स्टूडेंट या फिर कोई टीचर अगर चेक कर रहा है तो उसको समझना होगा कि यहां पे जो एडिशन है दिस एडिशन इज नथिंग बट एडिटिव मॉड्यूलो एन. ठीक है, यहां पे देयर इज अ ग्रेट अब्यूज ऑफ नोटेशन. रिंग थ्योरी में यही होता है कि ज्यादातर हम लोग अब्यूज ऑफ नोटेशन करते हैं लेकिन पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए, जब वो पढ़ रहा है उसको ये आइडिया होना चाहिए. ठीक है, कि हाँ क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस सेम दिख रहा है बट बोथ ऑपरेशंस आर डिफरेंट, ये पढ़ने वाले को समझना होगा. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सेकंड होता है एफ ऑफ एक्स वाई. तो सेकंड स्टार्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज सेम एज बाय द डेफिनेशन कोई भी एलिमेंट वो एलिमेंट मॉड एन हो जाता है, तो इट इज एक्स वाई मॉड एन. राइट, सो अगर अभी अभी मैंने बोला कि मॉड जो है वो और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों के ऊपर स्प्लिट होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे स्प्लिट कर देते हैं. सो इट इज एक्स मॉड एन वाई प्रोडक्ट विथ वाई मॉड एन. ठीक है, सो दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज एक्स बार डॉट वाई, और सॉरी एक्स बार डॉट वाई बार नहीं लिखना है हमें, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई लिखना है. दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ वाई. अगेन सेम चीज कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में x into y is nothing but normal integer multiplication, यहाँ पे जो है it is modulo n multiplication. ठीक है, बट अगर क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू क्यों हुआ, बिकॉज इट इज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड्यूलो, सिंस मॉड्यूलो ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन स्प्लिट होता है, इसीलिए मुझे पता चला f इज एन होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, यहाँ पे और एक चीज है जो हम लोग मिस आउट कर रहे हैं, दैट इज समथिंग बट गिवन जो मैप है वो एक वेल डिफाइंड मैप होना चाहिए. ठीक है, वो एक छोटी सी चीज है जो हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है. सपोज मैं चेंज कर देता हूँ ये जो मैप है ना, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मैंने मैपिंग लिखा है, मुझे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना होगा. फॉर एन इंटीजर एंड द फंक्शन, ऑलराइट फंक्शन क्यों, बिकॉज अगर सपोज मैंने मैपिंग लिखा ना तो पहले मुझे प्रूव करना होगा कि वो जो मैप है वो एक फंक्शन है, बिकॉज फंक्शन होने के बाद वो होमोमॉर्फिज्म होता है. किसी भी मैप को हम लोग होमोमॉर्फिज्म नहीं बताते, हम लोग किसी फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म बताते. ठीक है, तो यहाँ पे ही हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक फंक्शन है. जब हम लोग थियरम भी करेंगे ना तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैप अगर डिफाइन करते हैं तो हमारा पहला काम होता है कि उसको फंक्शन बताना. एग्जाम के अंदर अगर कोई आप मैप डिफाइन कर रहे हो या फिर बोला गया कि सिर्फ एक मैप है और पूछा गया कि वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो आपका पहला काम होगा कि पहले उसको बताओ कि इट इज वेल डिफाइंड, फिर आगे बढ़ो. ठीक है, ओके, यहां पे सपोज दे हैव गिवन, ओके सपोज इट इज नॉट अ फंक्शन, ओके एफ डिफाइंडेड बाय दिस इज अ मैप, देन यहां पे मैं लिखूंगा शो दैट इट इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया, यानी कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा इट इज अ मैप से स्टार्ट करूंगा. यानी कि यहाँ पे मुझे तीन चीजें प्रूव करनी होगी, क्या क्या, तो पहले मैं प्रूव करूंगा कि ये एक फंक्शन है, फिर प्रूव करूंगा कि वो एडिशन को प्रिजर्व करता है, फिर प्रूव करूंगा कि वो मल्टीप्लीकेशन को भी प्रिजर्व करता है. ठीक है, तो मेरा फर्स्ट जो होगा दैट इज एफ इज वेल डिफाइंड, यानी कि वो फंक्शन है. सो वी विल जस्ट प्रूव दैट x इक्वल टू वाई इफ माई x इक्वल टू वाई, then we will show that my f of x is same as f of y. okay, yahan pe x aur y kya hai, to yahan pe x aur y are nothing but integers. if I tell you ki x aur sorry integers kahan complex number hai na ye, suppose agar main aapko bolta hu x aur y dono same complex number hai, then agar aapne unki conjugate le liye to bhi aapko same hi answer milega na. agar do complex number same hai to unki conjugate loge to bhi same answer milega. aur ye conjugate kya hai, x bar is nothing but what, x bar is nothing but your f of x and this is nothing but f of y. तो आपने स्टार्ट यहां से किया, एंड यहां पे हो गया. सो दिस थिंग इंप्लाइज यू गिवन मैप इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, तो जब कभी भी आप रिंग ऑटोमॉर्फिज्म के लिए जाते हो तो आपको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो पहले आप उसको वेल डिफाइंड प्रूव करो अगर मैपिंग दिया है तो, इज वेल डिफाइंड फंक्शन. फिर यहां पे मैंने लिखा है कि ऑटोमॉर्फिज्म लिखा है, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब मुझे रिंग होमोमॉर्फिज्म भी बताना है, वन वन भी बताना है, ऑन टू भी बताना है.
ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। सेकंड चीज मैं रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में प्रूव करूंगा कि इट इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म में दो चीजें प्रूव करनी, तो मैं स्टार्ट करूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई से। बाय द डेफिनेशन इट इज सेम एज एक्स प्लस वाई का बार। इज इट सेम एज एक्स बार प्लस वाई बार, यस और नो? नहीं पता सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। श्रद्धा जी मैंने अभी बोला, समझा आपको वेल डिफाइंड का कंडीशन। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको जो नोट शेयर करूंगा आज, उसके अंदर एक पेज के ऊपर मैं आपको सारे कंडीशन लिख के दूंगा, बिकॉज वो एफ आई के नोट्स है ना, वही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ओके, बट फॉर नाउ इज इट ट्रू कि एक्स प्लस वाई बार इज सेम एज एक्स बार प्लस वाई बार? अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट लो या फिर कॉन्जुगेट करके ऐड करो, आंसर सेम आता ना? यस, ओके, ग्रेट। तो दिस इंप्लाइज इट इज सेम एज मी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज सेम एज एक्स इंटू वाई का कॉन्जुगेट, दिस इज सेम एज एक्स कॉन्जुगेट वाई कॉन्जुगेट, दिस इज सेम एज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक है। सो कॉन्जुगेट के अंदर भी सेम होता है, इफ यू वॉन्ट यू गाइज कैन प्रूव, बट मैं नहीं कहूंगा कि प्रूव करो, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है, विच नो टीचर इज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग प्रूव करोगे। एफ आई स्टूडेंट होते हैं ना तो मैं बोलता कि हाँ प्रूव करो, लेकिन अब नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग दोनों प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि हाँ एक्स इंटू वाई का कॉन्जुगेट इज सेम एज एक्स कॉन्जुगेट वाई कॉन्जुगेट, ठीक है, दैट इज सेम एज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, उसका मतलब कि गिवन एफ, देयरफॉर एफ इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब मुझे और दो कंडीशंस प्रूव करना होगा, वो दो कंडीशन क्या होता है, मुझे ऑटोमॉर्फिज्म बताना। तो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे इंजेक्टिव और वन वन दोनों के बारे में बात करना है, तो मैं उसको यहां पे लिखता हूं। तो थर्ड इज एफ इज इंजेक्टिव, ठीक है। तो किसी भी मैप को इंजेक्टिव कैसे बताते हैं, तो मैं यहां पे थोड़ा नोट करके लिख देता हूं आप लोगों के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि शायद से याद ना हो। एफ फ्रॉम ए टू बी इज वेल डिफाइंड, मैं तीनों कंडीशन लिखूंगा, वेल डिफाइंड इफ, वेल डिफाइंड यानी कि जो अभी हमने किया, इफ एक्स इक्वल टू वाई इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, जो हमने अभी किया था, ठीक है। तो पहला ये होता है, दूसरा होता है वन वन, एफ इज वन वन। वन वन कैसे प्रूव करते हो, वन वन प्रूव करने के लिए आप इसी चीज को उल्टा प्रूव करते हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई से स्टार्ट करते हो और आप लोग प्रूव करते हो कि एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कोई भी जो मैप है वो वन वन यानी कि इंजेक्टिव, दोनों का मतलब सेम है, ठीक। तीसरा चीज होता है कि एफ इज ऑन टू, ऑन टू मैप कैसे प्रूव करते हो, कि इफ फॉर, आप इस चीज को प्रूव करते कि फॉर एवरी एलिमेंट एक्स, एक्स नहीं लेता हूं बिकॉज एक्स मैं वहां पे बहुत बार ले चुका हूं, तो आर इन साइड बी देर एग्जिस्ट सम एक्स इन साइड माई डोमेन ए सच दैट योर एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट आर। यानी कि ऑन टू कब होता है, जब को डोमेन और रेंज सेम है। तो यहां पर ये बोलता हूं कि फॉर एवरी पॉइंट इन द को डोमेन देर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, देन दैट मैप इज नथिंग बट एन ऑन टू मैप, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है जो आपको याद रखनी होती है, लेकिन अभी के लिए मेरे पास जो मैप है एफ फ्रॉम सी टू सी डिफाइंड एज एफ ऑफ जेड इज नथिंग बट जेड बार, मुझे ये प्रूव करना है कि एक इंजेक्टिव मैप है, यानी कि मुझे ये प्रूव करना हो, यानी कि दैट इज टू शो दैट माई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे प्रूव करना होगा कि एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, I'll just start. Suppose my f of x is same as f of y. ठीक है, f of x is same as f of y. f of x क्या है, तो f of x is nothing but x bar and this is nothing but y bar. क्या अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों नंबर सेम है तो उनके अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो भी आंसर सेम मिलेगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, x bar का कॉन्जुगेट और y bar का कॉन्जुगेट, right? What is conjugate of conjugate is nothing but that original number. यानी कि दिस इज नथिंग बट एक्स एंड दिस इज नथिंग बट वाई। आपने यहां से स्टार्ट किया था और यहां पे आ गए, है ना, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई से स्टार्ट किया था, एंड में आपको मिला एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब कि आपका जो एफ है इज एन इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव मैप। ओके, मैं अच्छे से लिखता हूं, क्या लिख दिया पता नहीं मैंने। ओके, इट इज इन इंजेक्टिव मैप। फोर्थ प्रॉपर्टी होगा ऑन टू। अब तक हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टी चेक किया,
हम लोग ने वेल डिफाइंड चेक किया, फिर हम लोग ने बोला होमोमॉर्फिज्म है, फिर इंजेक्टिव यानी कि वन वन कर दिया। आप ऑनटू के बारे में देखते, ऑनटू जो होता है वो हर बार एक सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी इज एफ इज सर्जेक्टिव यानी कि ऑनटू, है ना, यानी कि ऑनटू। सो ऑनटू के लिए हम लोग क्या प्रूव करते हैं, हम लोग ये प्रूव करेंगे कि कोई भी एलिमेंट इन माई को डोमेन इज एन इमेज फॉर सम एलिमेंट इन द डोमेन। यानी कि मैं क्या करूंगा, कोई भी एलिमेंट ले लूंगा कोडोमेन में से, तो मैं क्या करता हूं, फॉर एनी जेड इन साइड माई कोडोमेन सी, फॉर दिस देर शुड एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन साइड माई डोमेन विच इज अगेन सी इन साइड माई डोमेन सच दैट अगर मैंने एफ अप्लाई किया ऑन दिस एलिमेंट जो भी मैं यहां पर लिखूंगा देन माई आंसर मस्ट बी जेड। तो ये ब्लैंक जो मैंने स्पेस छोड़ा है उसके अंदर मुझे क्या लिखना चाहिए, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मैं यहां पे रखूंगा ब्लैंक स्पेस के अंदर सच दैट माय आंसर विल बी जेड। एनीवन, यही होता है। हाँ बोले ना, कुछ बोला नहीं सुनाई दिया, सॉरी। यस, जेड बार, जेड बार। सो सिंस फॉर एवरी जेड देर विल एग्जिस्ट जेड बार इन साइड जेड, सॉरी, फॉर एनी जेड इन साइड सी देर विल एग्जिस्ट जेड बार इन साइड सी such that अगर आपने f apply किया z bar के ऊपर then your answer is z। this implies me कि for every point there exists some pre-image, यानी कि मेरा जो map है is an onto map, यानी कि हमें पता चला f from c to c defined by f of z is equal to z bar is an ring automorphism, ring ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये होगा रिंग ऑटोमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल। आगे करते हैं, और कुछ एग्जांपल है शायद मेरे पास, लेट्स कम ओवर हियर। एक होमोमॉर्फिज्म क्या, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म इन फुल डिटेल, वो भी हमने देखा कि क्या क्या करना था हमें। ओके, मुझे ऊपर जाना है। आया। ओके ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्ड एग्जांपल थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। यहाँ पे क्या, फाई इज अ मैप फ्रॉम आर एक्स, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद कोएफिशिएंट्स कमिंग फ्रॉम रियल नंबर टू आर डिफाइंडेड बाय दिस। यहाँ पे ए जो है कोई तो एक फिक्स नंबर है, कोई तो एक फिक्स रियल नंबर जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। देन आई नीड टू शो दैट इट इज एन ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। वी आर अज्यूमिंग द कि ये मैप है, यानी कि ये एक फंक्शन है, इट इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। अगर क्वेश्चन है तो आप अज्यूम मत करो, आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वो एक होमोमॉर्फिज्म है, फिर प्रूव करेंगे कि वो ऑनटू भी है, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म के लिए मुझे पता है दो चीजें चेक करनी, आई नीड टू कंसिडर फाई ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर शुड बी सेम एज फाई ऑफ फर्स्ट प्लस फाई ऑफ सेकेंड। यहाँ पे नंबर्स नहीं, यहाँ पे एलिमेंट्स आर पॉलीनोमियल, इसलिए मैं करता हूँ फाइ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एक्चुअली पॉलीनोमियल का एडिशन है ना, तो मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, आई शुड हैव बीन राइटिंग एफ प्लस जी एडिशन ऑफ द पॉलीनोमियल एट एक्स। ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे पता है फाइ ऑफ एनी थिंग इज नथिंग बट वो जो भी पॉलीनोमियल है वहां पे मुझे एक्स की जगह पे ए रख देना है, यानी कि इट इज नथिंग बट एफ प्लस जी एट ए, करेक्ट। नाउ अब मैंने क्या किया, पहले ऐड किया पॉलिनोमियल को फिर ए रखा, उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, पहले पॉलिनोमियल्स के अंदर ए रख दूंगा फिर उनको ऐड कर दूंगा, स्टिल द आंसर विल बी सेम, यस और नो, चलेगा ये, चलेगा क्या? अच्छा, कोई अनम्यूट नहीं करेगा ना, भूल गया मैं। ओके, थैंक यू। सो एफ ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, एफ ऑफ ए इज नथिंग बट फाइव f of x plus phi g of x, okay? So this is nothing but a first property की, यानी आपने क्या किया कि आपने इस चीज को प्रूव कर दिया f plus g of x is nothing. Since this is true for every x implies me my phi of f plus g is same as phi of f plus phi of g. यहाँ पे हम लोगों ने जो x था वो कोई भी आर्बिटरी ले लिया था ना, इसलिए मैं कहता हूँ x इज एनी रियल नंबर एक्चुअली, तो कोई, हाँ, सिंस इट इज ट्रू फॉर एवरी एफ एन जी, फॉर एवरी
एफ एन जी एलिमेंट तो एफ एन जी इनसाइड आर एक्स है, एक्स क्यूब। हाँ, सिंस इट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, हाँ इसीलिए इट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। सेकेंड चीज होता है प्रोडक्ट के बारे में बात करना, तो प्रोडक्ट के लिए आई विल स्टार्ट एफ इंटू जी लिखना है, जी लिखना है, कंपोजिशन नहीं है, इट इज नथिंग बट एफ इंटू जी एट द पॉइंट एक्स, यानी कि वेरिएबल एक्स। ये क्या होगा, बाय द डेफिनेशन मुझे पता है मुझे एक्स की जगह पे सिर्फ ए रख देना, सो इट इज एफ डॉट जी, यानी कि प्रोडक्ट है, यानी कि पॉलिनोमियल को पहले प्रोडक्ट करो फिर उसके अंदर एक्स की जगह पे ए रखो। बेटर इज वी राइट ए फर्स्ट एंड देन मेक द प्रोडक्ट, आंसर विल बी स्टिल सेम, दिस इज सेम एज फाइव एफ ऑफ एक्स टाइम्स फाइव जी ऑफ एक्स। सो अगेन सिंस दिस थिंग इज ट्रू फॉर एवरी एफ एन जी गिवन प्रॉपर्टी, गिवन जो प्रॉपर्टी है इट इज ट्रू फॉर एवरी एफ एन जी, इम्प्लाइज मी माई फाइव इज एन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, सिंस दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग को ऑन टू बताना है, ऑन टू वाला कंडीशन इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज ये क्या होता है ना, एक लाइन में प्रूव हो जाता है लेकिन सोचना थोड़ा पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू प्रूव फाइव इज ऑन टू, ऑन टू के लिए मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ कि फॉर एनी एलिमेंट आई टेक फ्रॉम माई कोडोमेन दैट इज रियल नंबर, फॉर एनी अल्फा इनसाइड आर डज देयर एग्जिस्ट सम पॉलिनोमियल इनसाइड आर ऑफ एक्स सच दैट अगर मैंने फाई अप्लाई किया ऑन दैट पॉलिनोमियल माई आंसर विल बी अल्फा द रियल नंबर अल्फा। यस, थोड़ा सोचना है अभी, ये जो ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा। यस, सिंस अल्फा इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा था, अल्फा जो है वो एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। सो अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ आर एक्स, इसीलिए फाई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंप्लाइज मी माई फाई इज ऑन टू। एक छोटा सा क्वेश्चन है विच इज नॉट पार्ट ऑफ इट, क्या ये मैप वन वन मैप होगा, क्या ये मैप वन वन मैप होगा, थोड़ा सोच के बताओ, वन वन मैप हो सकता है क्या, ये सोचना होगा आपको, फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ ए क्या ये मैप वन वन होगा, वन वन यानी कि आप दो अलग अलग पॉलिनोमियल लेते हो फिर भी उनके आउटपुट जो है वो सेम आ रहा है, ऐसा होगा क्या, अगर सेम नहीं आ रहा तो इट बिकम्स अ वन वन मैप। मैंने ऑन टू लिखा यानी कि वो वन वन नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा कि ऑन टू प्रूव करो, लेकिन ये मैप वन वन नहीं है, इसके बारे में आपको सोचना होगा, ठीक है। टीवाई बीएससी स्टूडेंट्स हो, चलो थोड़ा सोच सकते हो आप लोग, है ना, दिस विल बी योर टास्क टू शो दैट दिस मैप इज नॉट अ वन वन मैप, ठीक है। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग ने किए एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल ऑफ रिंग, रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में हम लोग ने बातें की। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आ रहा है, दैट इज नथिंग बट एन आइडियल्स। जैसे कि हम लोग, मैं कहता हूँ कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल सब ग्रुप है वो ग्रुप थियोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, उसी तरीके से हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो रिंग थियोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप क्यों पढ़ते हैं उसको देखने से पहले एक बार देख लें कि नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है, उसको रिवाइज करें। क्या किसी को पता है किसी भी एक सब ग्रुप को, एच सब ग्रुप ऑफ जी को मैं नॉर्मल कब कहता हूँ, एनीवन नोज द डेफिनेशन, चलो याद होना चाहिए, थोड़ा कुछ डेफिनेशन याद है किसी को, कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। यस, हाँ वो कुछ तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एक प्रॉपर्टी मुझे बताने की कोशिश करो, बिकॉज जिस तरीके से आप बोलोगे ना मुझे समझेगा कि नहीं, हाउ मच यू गाइज नो, है ना, सिर्फ कम्यूटेटिविटी ऑफ वॉट आई वॉन्टेड टू नो यार, कम्यूटेटिविटी ऑफ वॉट ऑफ कोसेट्स, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि कोसेट जो है वो कम्यूट करता है, यही ना। यस, ओके, कम्यूटेटिविटी मत कहो उसे यार, वो थोड़ा अजीब हो जाता है। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, आई थिंक जिन्होंने भी बोला मैं नाम भूल गया, कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है कि ए बी सेम एस बी ए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता यार, ओके नो प्रॉब्लम, वो होता है डेफिनेटली जो आप बोल रहे हो इट इज देयर, बट आई वॉन्टेड द मोर बेसिक डेफिनेशन। मैं कहूँगा कि उनके जो कोसेट्स होते हैं
वो एक दूसरे के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम मिलते हैं, यानी कि अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सेट टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ माई पेन है ना ऑन, यस, इफ एंड ओनली इफ माई ए एच इज सेम एज एच ए फॉर ऑल ए इन साइड जी। इसी चीज को आप लिखते हो इफ एंड ओनली इफ योर जी एच जी इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ एच फॉर ऑल जी इन साइड जी। इसी चीज को आप लिखते हो इफ एंड ओनली इफ योर जी एच जी इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ एच। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप के तीन चार और भी है बहुत सारे, लेकिन इतने ही नफर। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी इसको मत बोलना कोई, अगर दूसरी बार पूछेगा ना तो इसको पक्का मत बोलना कम्यूटेटिविटी। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे कि आप सिर्फ इतना करोगे कि उनके लेफ्ट कोसेट इज सेम एज राइट कोसेट। ठीक है, जो भी सब ग्रुप ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि उसके लेफ्ट कोसेट इज सेम एज राइट कोसेट, तो वैसे सब ग्रुप को हम लोग कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो इन वर्ड में अगर लिखने की कोशिश करूं, लेफ्ट कोसेट इज सेम एज राइट कोसेट। राइट कोसेट जब आप पहली बार कोसेट सीख रहे थे SYBS में, तब तो आपने देखा होगा कि लेफ्ट कोसेट क्या होता है, राइट कोसेट क्या होता है, वहां पे सब दोनों सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। ठीक है, तो लेफ्ट कोसेट इज सेम एज राइट कोसेट, वैसे सब ग्रुप को हम लोग कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि जो सब ग्रुप ये स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। टेस्ट क्या है, तो टेस्ट इज नथिंग बट दिस, हम लोग क्या प्रूव करते हैं, तो हम लोग प्रूव करते हैं कि जी एच जी इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ एच फॉर ऑल जी इन साइड जी एंड फॉर ऑल एच इन साइड एच, है ना। दिस इज नथिंग बट अ टेस्ट, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में ही लिख दिया था। सो दिस इज नथिंग बट टेस्ट जो आप लोग यूनिट नंबर वन में पढ़ रहे। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप को क्यों पढ़ते, वाई देर इज अ नीड ऑफ स्टडिंग दिस नॉर्मल सब ग्रुप, बिकॉज नॉर्मल सब ग्रुप जो होते हैं वो आपको क्वेश्चन ग्रुप बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा कि नहीं जी दिस एच, ये आपने पढ़ा कि नहीं जी मॉड्यूलो एच या फिर जी कोशंट एच, हाँ कि ना, अब तक पढ़ा कि नहीं जी मॉड एच, यस। तो आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन ग्रुप जो है वो कब बनता है, जब कभी भी एच इज नथिंग बट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। ये जो है दिस जी मॉड्यूल मॉड कह देता हूं या फिर मैं उसको क्वेश्चन पढ़ू, जी मॉड एच इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ माई एच इज नथिंग बट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप को पढ़ते हैं, है ना, और कोई हमारा नीड नहीं है। ये क्या होता है ना, जी मॉड एच जो है उससे क्या होता है कि हमें और एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप मिलता है। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजिब्रा के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बनाने के लिए हम लोग ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट नॉर्मल सब ग्रुप का आइडिया देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द नीड, और बहुत सारी जगह पे नॉर्मल सब ग्रुप यूज होता है और बहुत सारे इसके बेस है, लेकिन वन ऑफ द नीड इफ आई विल टेल क्या, क्वेश्चन ग्रुप जो होता है उसको बनाने के लिए हमें नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए। वैसा ही सेम आइडिया नॉर्मल सब ग्रुप जिस तरीके से, वैसा ही सेम आइडिया हमारे रिंग के अंदर होता है। रिंग के अंदर क्या होता है, तो रिंग के अंदर होता है सब रिंग, है ना, सब रिंग। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के जो सब रिंग होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं आइडियल्स। क्या कहते हैं हम लोग उसे, कहते हैं आइडियल। ठीक है, तो जो अब लोग नॉर्मल सब ग्रुप जो रोल प्ले करता है इनसाइड ग्रुप, सेम रोल रिंग के अंदर, रिंग थ्योरी के अंदर प्ले करता है ये आइडियल्स। ठीक है, तो मैं पहले उसको डिफाइन करता हूं। डेफिनेशन क्या है, अ सब रिंग एस ऑफ द रिंग आर इज कॉल्ड आइडियल ऑफ द रिंग आर इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी। यहां पे भी एक छोटा सा कंडीशन क्या है कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया स्मॉल आर फ्रॉम द रिंग एंड कोई भी एलिमेंट ले लिया ए फ्रॉम द सब रिंग, और इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि आर इंटू ए करूं या फिर ए इंटू आर करूं, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो एस के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो आइडियल के लिए कंडीशन क्या है, तो आइडियल कब कहा जाता है किसी भी सब रिंग को, अगर आपने
एक एलिमेंट सब रिंग से लिया और एक एलिमेंट रिंग से लिया और उनको मल्टीप्लाई करते हो, तो भी आप उस सब रिंग के अंदर ही रहते हो, उससे बाहर नहीं जाते। इसी चीज को मैं वर्ड में अगर लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा आइडियल एस अब्सॉर्ब अब्सॉर्ब द एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ रिंग आर। अब्सॉर्ब क्यों कह रहा हूं? बिकॉज आप देख रहे हो कि अगर मैंने ए के एलिमेंट के साथ आर के एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों का जो आंसर आता है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इन बोथ द वे, आंसर जो आता है वो एस के अंदर ही रह जाता है, एस के बाहर नहीं जाता। तो इसी चीज को वर्ड में अगर याद रखना है तो कैसे याद रखोगे? आइडियल यानी कि एक ऐसा सबरिंग जो आर के एलिमेंट को अब्सॉर्ब करता है। अब्सॉर्ब का मतलब कि अगर आपने आर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया एस के एलिमेंट को, तो आप फिर भी एस के अंदर ही रहोगे, उसके बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा समझ रहा है? हम लोग बहुत सारी चीजें करेंगे लेकिन क्या ये समझ रहा है डेफिनेशन क्या है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अब हम लोग टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो आइडियल टेस्ट क्या होता है? तो पहली चीज है कि जो आइडियल होता है वो पहले एक सबरिंग होता है, उसके साथ साथ ये एक छोटा सा कंडीशन है। ठीक है, तो हम लोग ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वैसी सबरिंग को हम लोग आइडियल कह देते हैं। तो मैं उसी चीज को लिखता हूं कि टेस्ट क्या है। तो टेस्ट इज नथिंग बट अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड आइडियल ऑफ आर इफ वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला तो ए माइनस बी इज एन एलिमेंट ऑफ एस फॉर ऑल ए एंड बी इनसाइड एस। दूसरा कंडीशन है कि इफ यू टेक दिस कंडीशन ओनली जो हमारे यहां पर, यानी कि आर इंटू ए एंड ए इंटू आर मल्टीप्लाई करने के बाद एस के अंदर रहोगे फॉर ऑल ए इनसाइड एस एंड फॉर ऑल आर इनसाइड आर। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिंग। अगर आप देखोगे अगर कोई सबसेट इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो पहले तो वो एक सबरिंग बनता है और उसके बाद वो एक आइडियल भी बन जाता है। बिकॉज सबरिंग टेस्ट के अंदर क्या होता था? तो सबरिंग टेस्ट के अंदर दो चीजें होती थी। हम लोग क्या क्या चेक करते थे? हम लोग देखते थे ए माइनस बी एंड ए इंटू बी, ए माइनस बी एंड ए इंटू बी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ एस फॉर ऑल ए एंड बी। आप देखोगे इन दोनों के अंदर वो चीजें आ जा रही है, ए माइनस बी तो क्लियरली दिख रहा है, इसके अंदर ए इंटू बी वाला कंडीशन भी आ गया फॉर ऑल ए एंड बी इनसाइड एस। बिकॉज हमें पता है कि दिस थिंग इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट आर इनसाइड एस, है ना। अगर मैं सपोज बी लेता हूं एस के अंदर, है ना, तो अगर मैंने बी एस के अंदर लिया तो बी इज इनसाइड एस, एस इज इनसाइड आर, है ना। तो मैं बी की जगह पे आर, आर की जगह पे बी ले सकता हूं, सिंस माय एस इज सबसेट ऑफ आर आई कैन डू दैट। यानी कि दोनों दोनों कंडीशन से दोनों चीजें चेक हो रही, एक तो पहले उसको सबरिंग चेक किया जा रहा है उसके साथ साथ आइडियल भी चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ टेस्ट, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, हम लोग उसको अभी नहीं प्रूव करेंगे। लेकिन अब हमें ये आइडियल का नीड क्या है? तो आइडियल का नीड जैसे हमारा नॉर्मल सब ग्रुप का नीड है, सेम नीड यहाँ पर कि हमें आइडियल जो होता है वो हेल्प करता है टू फॉर्म कोशेंट रिंग, यानी कि R by S जो होता है वो हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन रिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसका नीड है कि क्वेश्चन रिंग, क्वेश्चन ग्रुप के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्वेश्चन ग्रुप के अंदर क्या होता है, द एलिमेंट आर नथिंग बट कोसेट्स, करेक्ट। तो यहां पे एलिमेंट्स क्या होंगे? तो एलिमेंट आर नथिंग बट गोइंग टू बी आइडियल्स, R by S इज नथिंग बट आइडियल्स। बट कैसे आइडियल दिखेंगे, क्या होगा उसके बारे में थोड़ी देर के बाद देखेंगे, लेकिन आइडियल्स क्यों पढ़े जा रहा है? बिकॉज आइडियल होगा तभी हमें काम होगा कोशेंट रिंग के अंदर। एक्चुअली मैं कहूंगा नॉर्मल ग्रुप से ज्यादा ये आइडियल रोल प्ले करता है इन रिंग थ्योरी, बिकॉज आइडियल है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना पता चलेगा। लेकिन मैंने क्या किया इस पेज के अंदर, मैंने ट्राइंग टू कनेक्ट बोथ द चैप्टर्स, यानी कि बोथ द यूनिट को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, एक बार वो टेस्ट एक बार पढ़ लो अच्छे से, बिकॉज हम लोग को यूज करना है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे आइडियल्स के, इस टेस्ट को यूज करेंगे बार बार। ठीक है, पेज के ऊपर जो भी दिख रहा है सब क्लियर लग रहा है आपको? एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन रिंग क्या होता है, क्वेश्चन रिंग क्या होता है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन अभी के लिए वाई वी आर स्टडिंग आइडियल्स बिकॉज वी नीड टू स्टडी क्वेश्चन रिंग, डिटेल आने वाला है आगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा आगे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल सा लूंगा मैं कि अगर मैंने कोई भी
ट्रीवियल से सबरिंगली जीरो एंड आर दे आर ऑलवेज आइडियल ऑफ आर. यानी कि पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट. फॉर एनी रिंग आर सिंगलटन जीरो एंड आर इट्सेल्फ आर आइडियल ऑफ आर. ठीक है, इन दोनों के अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा. अगर सपोज मैंने जीरो के अंदर से दो एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट तो है ही नहीं ना, सिंगल ही एलिमेंट है, मतलब जीरो माइनस जीरो करूँ, जीरो इंटू जीरो करूँ, फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना. या फिर मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, ये जो सिंगलटन जीरो है उसको प्रूव कर देते एक बार. आई नीड टू शो दैट माई सिंगलटन जीरो इज एन आइडियल ऑफ आर. तो मुझे क्या करना है, मुझे दो चीजें चेक करनी है. एक तो इसके अंदर के दो एलिमेंट उठा के मुझे सब्ट्रैक करना है. दो एलिमेंट है ही नहीं तो मेरे पास एक ही एलिमेंट है ना, तो जीरो माइनस जीरो करूंगा आंसर आता रहेगा जीरो एंड इट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट सिंगलटन जीरो. तो पहला कंडीशन इजीली प्रूव हो गया, ए माइनस बी वाला. सेकेंड क्या होता है, तो सेकेंड होता है ए इंटू आर एंड आर इंटू ए. ठीक है, तो ए क्या है, एक ही एलिमेंट है ना, जीरो ही है. दिस अगर आर इंटू जीरो क्या, दोनों केस के अंदर आंसर जो है वो जीरो ही आ रहा है. बोथ आर इक्वल, आंसर इज सेम एंड इट इज सेम एज जीरो विच इज एलिमेंट ऑफ सिंगलटन जीरो, है ना. तो ये जो है बिकम्स माय आइडियल. ठीक है, ये वाला आपको शायद से ना दिखता इसलिए मैंने प्रूव कर दिया इज एन आइडियल. सिमिलरली आप आर के लिए भी प्रूव कर सकते हो, बट ये बहुत ही ट्रिवियल सा केस है. कोई भी रिंग लो, कोई भी एग्जांपल ऑफ रिंग लो, अगर आपने सिंगलटन जीरो और आर ले लिया तो दिस टू आर नथिंग बट अ सिंपल एंड द ट्रिवियल एग्जांपल ऑफ आइडियल. ट्रिवियल केसेस लिए ज्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पे आएगी. फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, माय एन जेड इज एन आइडियल ऑफ जेड. यानी कि एन जेड का मतलब क्या होता है कि सारे इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ एन. आई विल शो दैट ये एन इंटू जेड यानी कि सारे इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ एन, दिस सेट इज नथिंग बट आइडियल ऑफ जेड. तो यहां पे थोड़ा अच्छा है. ठीक है, तो पहले हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. आई नीड टू शो इट इज एन आइडियल. तो पहले चीज मैं देखूंगा कि जेड एन जेड जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है. क्यों नॉन एम्प्टी है, बिकॉज एन जेड कुछ भी हो उसके अंदर जीरो होने वाला है. सिंस जीरो इज अ एलिमेंट ऑफ एन जेड, हेंस इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट. यहां से स्टार्ट करेंगे, एन जेड इज अ नॉन एम्प्टी सेट. सेकेंड, मुझे उसके अंदर के दो एलिमेंट लेने हैं और उनको सब्ट्रैक करना है. तो मैं क्या करूंगा, दो एलिमेंट लेता हूं. फॉर एनी दो एलिमेंट, एन जेड के अंदर एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं, तो इसके अंदर एलिमेंट दिखते हैं डॉट 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 माइनस थ्री एन, माइनस टू एन, माइनस एन, फिर जीरो दिखेगा, फिर एन दिखेगा, फिर टू एन दिखेगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे एलिमेंट्स दिखेंगे. तो मैं दो एलिमेंट लेता हूँ. सपोज आई कंसिडर एन पी एन एन क्यू इन साइड एन जेड, है ना, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट दिख रहे हैं एन के कुछ मल्टीपल. अगर मैंने इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी सब्ट्रैक करना है ना, मुझे तो सब्ट्रैक करना है, मल्टीप्लाई तो यहाँ पे नहीं. सो मैं इन दोनों एलिमेंट को सब्ट्रैक करता हूँ. सो आई विल जस्ट कंसिडर एन पी माइनस एन क्यू. ठीक है, सो दिस इज समथिंग बट एन पी माइनस क्यू. विल इट बी एन एलिमेंट ऑफ एन जेड, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, है ना. अगर होगा तो मेरा काम हो गया कि मैंने उस सबसेट में से दो एलिमेंट लिया, सब्ट्रैक किया, क्या ये एन जेड का एलिमेंट होगा. आंसर इज रियली यस, बहुत सिंपल सर. क्यों, बिकॉज ये जो आंसर आया इट इज सम मल्टीपल ऑफ एन, और ये पी माइनस क्यू है वो क्या है, वो भी कोई तो इंटीजर ही होगा. हेंस एनी टू एलिमेंट सब्ट्रैक्शन इज स्टिल इन साइड एन जेड, हेंस पहला कंडीशन हो गया. सेकेंड क्या होता है, तो सेकेंड में एक छोटा सा ध्यान रखना है. एक एलिमेंट आपको एन जेड से लेना है, दूसरा एलिमेंट आपको रिंग में से लेना है. रिंग क्या है, तो जेड है. तो मैं क्या करूंगा कि दोनों जगह से एक एक चीज लूंगा. यानी कि फॉर एनी, पहले तो एन पी मैं एन जेड से ले रहा हूं, सबसेट में से ले रहा हूं, और एक्स जो है वो मैं जेड में से ले रहा हूं. ठीक है, अब मेरा काम क्या होगा, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना होगा बोथ द वे. सो इट इज एन पी टाइम्स एक्स करूं, या फिर मैं एक्स टाइम एनपी करूं. इन दिस केस आंसर सेम है इसलिए मैंने इक्वल लिखा. हर बार इक्वल नहीं होता, बिकॉज हमें पता है सारे के सारे रिंग कम्यूटेटिव हो जरूरी नहीं है. बट दोनों केस के अंदर आंसर इज सेम एज एन टाइम्स पी इंटू एक्स, है ना. सिंस इट इज सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन, दिस इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ जेड, है ना. सो हमने इस चीज का ध्यान रखा कि दोनों लिखो, एग्जाम के अंदर भले ही सेम होता फिर भी दोनों लिखो.
राइट, सिंस उसने दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, उसका मतलब मुझे पता चला कि ये जो एन जेड होते हैं दिस आर नथिंग बट आइडियल ऑफ जेड। ठीक है, हम लोग आगे आगे जिस तरीके से जाएंगे ना, हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन अभी एक और एक प्रिसाइज डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉपर आइडियल। नाम से ही पता चल जाता है क्या है। ठीक है, प्रॉपर आइडियल क्या लगता है आपको? आपने प्रॉपर सब ग्रुप पढ़ा था ना, प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है? एक सब ग्रुप विच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर सब ग्रुप। सिमिलरली एक प्रॉपर आइडियल क्या होता है? तो प्रॉपर आइडियल के अंदर क्या होता है कि अन आइडियल ए ऑफ रिंग आर इज सेट टू बी अ प्रॉपर आइडियल इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ये मैं डेफिनेशन क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत बार थियरम और एग्जाम्पल और क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है गिवन शो दैट दिस इज अ प्रॉपर आइडियल ऑफ इट, ये चीज़ें हमें बहुत बार रिक्वायर्ड होगी, इसलिए मैं स्टार्ट करूँगा अ प्रॉपर आइडियल के बारे में डिफाइन करते हैं। अन आइडियल ए ऑफरिंग आर इज कॉल्ड प्रॉपर आइडियल ऑफ आर इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है बट बहुत बार रिक्वायर्ड होता है। हम लोग क्या कहते हैं कि दिस सिंगलटन जीरो एंड आर ट्रीवियल आइडियल ऑफ आर, लेकिन इस ये जो आर है आर खुद वो खुद का प्रॉपर आइडियल नहीं होता, लेकिन सिंगलटन जीरो इज एन प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, है ना। आर खुद का प्रॉपर आइडियल नहीं होता, वो खुद का आइडियल होता है, आर इटसेल्फ इज एन आइडियल ऑफ इटसेल्फ, है ना, लेकिन वो खुद का प्रॉपर आइडियल नहीं होता। ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार यूज होता है, इसलिए हमने इतने डिफाइन भी किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना इनफ है, आज हम लोग ने जितना करना था इतना किया है।